Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the lecture number 3B. Last lecture में हमने one by one exercise start की थी. आज इसको continue रखेंगे. हमारा third question है, if f of x equals to 3x cube plus 2x square minus x plus 4, prove that 2 f of 3 is equals to 25 f of 1. ये result हमने prove करना है. So, क्या करेंगे? First of all, f of 3 find करेंगे. उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम f of 1 फाइंड करेंगे, उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड से इक्वल आ जाएगी तो रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा. सो स्टार्ट लेते हैं. गिवन फंक्शन है हमारे पास, गिवन दैट f of x equals to 3x cube plus 2x square minus x plus 4. वहां पे क्या करना है? वही बोले है पुट करना है x की जगह 3. Therefore, इसको अब इक्वेशन 1 पार्ट करते हैं. Put x equals to 3 in equation number 1. Therefore, f of 3, ये हमारे पास आएगा 3, x की जगह 3 पुट करेंगे होल का क्यूब प्लस 2, x की जगह 3 पुट करेंगे स्क्वायर माइनस x की जगह 3 प्लस 4. इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 का क्यूब लेंगे, 27, 3 is 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 are 18, माइनस 3 प्लस 4 1 आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाते हैं 100. अब हम f of 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. नाउ 2 into f of 3 यानी का 2 into 100 which is equals to 200. अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, f of 1 फाइंड करेंगे. वही कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x को 1 इन इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट इक्वेशन में x को 1 पुट करते हैं तो ये बनेगा f of 1 दिस इज इक्वल्स टू 3 into x की जगह आएगा 1 इसका क्यूब प्लस 2 into x की जगह 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 बिकॉज़ 3 प्लस 2 प्लस 3 This is equals to 8. अब आपने f of 1 को मल्टीप्लाई करने हैं 25 के साथ. Now 25 f of 1 की जगह 8 which is also equals to 200. So यहाँ पे भी 200 आ गया, यहाँ पे भी 200. इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मार्क करते हैं. इसको भी यू आप लिख सकते हैं. तो एंड पे हम लिखेंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं या ये रिजल्ट्स भी लिख सकते हैं. 2 f of 3 दिस इज इक्वल्स टू 25 f of 1 प्रूफ्ड. Well, students, now question number 4 is given f of x. हमारे पास function है 3x cube minus x square plus bx plus 1. आगे conditions है, if f of 2 की value minus 3 हो जाए and f of minus 1 की value 0 आ जाए, so find the values of a and b. हमने a और b की values calculate करनी है. So क्या करेंगे हम, जो given conditions है इनको use करेंगे. यानी कि पहले हम x की जगह 2 put करके फिर हम 2 की value use करेंगे, फिर x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे, फिर f of माइनस 1 की वैल्यू दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे. सो वही करते हैं, हमारे पास इस सॉल्यूशन में गिवन दैट जो फंक्शन है हमारे पास f of x 3x cube minus ax square plus bx plus 1 इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं. अब यहां पे हम पुट करेंगे x की जगह a equation number 1. Therefore, f of 2 बन जाएगा हमारे पास 3 into 2 cube minus a into 2 square plus b into 2 plus 1. अब f of 2 की value use करेंगे, जो question में हमें given है, which is minus 3. तो वह क्यों 8, 8 3 are 24. ये 4a plus 2b plus 1. इनको further simplify करते हैं, this is 25 minus 4a plus 2b is equals to minus 3. सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाते हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एडिंग 3
थ्री आर बोथ साइड्स। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 25 - 4a + 2b + 3 ऐड करेंगे इट बिकम्स 28। ओके इसमें से स्टूडेंट्स जो कॉमन है कॉमन हम ले सकते हैं, उसको कॉमन लेकर आप डिवाइड कर दें, लेकिन टू कॉमन 14 - 2a + b = 0 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ओके अब हम -1 यूज करेंगे और x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो बिकम्स f ऑफ -1 दिस इज इक्वल्स टू 3 - -1³ - a - -1² + b - -1 + 1। इसी तरह f ऑफ -1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज 0, इसको पुट करेंगे इसकी जगह, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 - a - b + 1 इक्वेशन बन जाएगी -2 - a - b = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों लीनियर इक्वेशंस ए और बी में हैं, आप इन दोनों को ऐड करें क्योंकि यहां पे बी का कोएफिशिएंट +1 है, यहां पे बी का कोएफिशिएंट -1। जब ऐड करेंगे तो बी एलिमिनेट हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए की वैल्यू हम इक्वेशन 2 या 3 में यूज करके बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्या करेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, सो व्हाट वी गेट सिंपलीफाई करते हैं, पहले इक्वेशन 2 लिख लें 14 - 2a + b = 0 और -2 - a - b = 0 तो हम ऐड करेंगे इट बिकम्स 12 - 3a कैंसिल, 3a को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 12 = 3a डिवाइडेड बोथ साइड बाय 3 ये कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर सकते हैं, इसके लिए पुट a इज इक्वल्स टू 4a सिंपल है, हमें b चाहिए तो आप ऐसा करें इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। यहाँ पे 14 - 2 a की जगह हम लेंगे 4 + b = 0 ये बनेगा 14 - a + b = 0 इट बिकम्स 6 + b = 0 तो b फाइंड कर लें, 6 को दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे b = -6 सो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एंड b की वैल्यू आ गई -6। Yes, proof. That's students, ये दो questions थे, next time हम further solve करेंगे, I hope you will understand the procedure how to find the values of different values from the given function. Thank you very much.